टॉपिक कम्युनिकेशन कैन बी स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में आदान प्रदान की प्रक्रिया। इसमें सेंडर और रिसीवर होता है। एक जना सेंड करता है, दूसरा जना रिसीव करता है। दो जनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होती है। आप सिंगल सिंगल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल होती है बोलकर कम्युनिकेशन, जो मैं करती हूँ। नॉन वर्बल शेकिंग हैंड, नॉडिंग हैंड, जैसे आप करते हो। वर्बल दो तरीके की होती है, रिटन और स्पीक। रिटन भी मैं ही कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मैं लिख रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो। और बोलकर बोल भी मैं ही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। तो कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में हो रही है, बट मैं रिटन और वर्बल दोनों तरीके से कर रही हूँ और आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। शेकिंग हैंड टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। तो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन में लिसनिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मुझे लिसन कर पा रहे हो तो आप मेरे पॉइंट को क्लियर कर पाओगे जब मैं आपसे या फिर आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोगों का माइंड इस समय प्रोसेस कर रहा होगा कि मैं आप लोगों से क्या पूछूंगा। तो नॉन वर्बल इसमें लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है और लिसनिंग इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप लोग बता पाओ, और जैसे मैं आप मुझसे कुछ पूछती है तो हम लोग बता पाते हैं। और कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है ताकि हम अपने विचार जो हमारे मन में चल रहा है, जो कि हमारे मन में क्वेरी है, हम सामने वाले से बिना पूछे या बिना लिखे किसी भी तरीके से हम उसे नहीं बता सकते कि हमारे माइंड में क्या है। जैसे मैम काफी बार बोलती है कि आपको क्वेश्चन